ये 6 तारीख को यहाँ से बनारस से प्रस्थान किए थे, 7 तारीख को माँ वैष्णो देवी के दर्शन करके शादी की सालगिरह 1 साल कंप्लीट हो रहा था, वहाँ दर्शन के लिए गए थे, और 8 तारीख को कचरा में स्टे किया, 9 तारीख को 11 बजे सुखोड़ी के लिए प्रस्थान किया। वहाँ से रिटर्निंग 5:30 बजे वहाँ पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। मुझे सूचना 7 बजे टीवी द्वारा पता चला, उसी के कारण लेट। कैसे आपने अनुमान लगाया कि ये वही बस होगी जिसमें अतुल मौजूद है? उन्होंने बताया था कि पापा सिखोड़ी जाएंगे, अब उसी कारण अनुमान के द्वारा, अब फोन उसका कल दिन भर आया नहीं फोन, इसी के कारण हम लोग घबराहट में, जब ये कांड हमने सुना तो तब घबराहट होने लगी। तो टीवी भी जब आपने सूचना सुनी तो पहला कदम क्या उठाया आपने? पहला कदम उठाया नहीं, भगवान के दरबार में गए, 1-1.5 घंटे बाद उसकी सूचना आ गई। वो क्षण बेहद कठिन रहा होगा, मैं आपसे बात जरूर कर रहा हूँ, आपका गला भर आया है, वो क्षण अवश्य कठिन रहा होगा, लेकिन बड़े धैर्य का समय होता है ऐसे विकट परिस्थितियों में, तो उस समय फिर कैसे संपर्क किया आपने? उसी समय 1.5-2 घंटे बाद जम्मू प्रशासन का द्वारा फोन द्वारा लड़के द्वारा बात हुई, लड़के ने बात किया, पूरी सूचना उसने दी। क्या बताया अतुल ने? बताया कि आतंकवादियों ने हमला किया था पापा, उसी कारण बस खाई में चले गए, और सीट के नीचे हम दोनों लोगों ने अपनी जान बचाई, इसी कारण हाथ और माथे में चोटें आई।